अस्सलाम वालेकुम। आज की एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी है। कुछ वैल्यूज़ हमें दी हुई है, देन आफ्टर उसको सॉल्व करके स्पेसिफिक टर्म की वैल्यूज़ निकालनी है। लेट सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी इज इक्वल टू 20। हमें पता है अगर हम ए माइनस बी निकालना है तो कुछ स्पेसिफिक फॉर्म है जिसमें यूटिलाइज करना है हमें। उसमें से एक फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी। ये फॉर्मूला अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, देन ए बी भी हमें दिया हुआ है। हमें बस क्या करना है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, देन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो 9 दी हुई है, हमने यहाँ पे 9 की वैल्यू पुट कर दी। देन माइनस ए माइनस बी की वैल्यू हमें नहीं पता, ए माइनस बी एज इट इज हमने उतार दिया। 4 ए बी की जो वैल्यू दी है वो दी हुई है 20। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, हमने 81 लिख दिया। माइनस ए माइनस बी एज इट इज स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर 80 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव की है, वहां जाके नेगेटिव की हो जाएगी। ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइनस 81, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करा दोनों तरफ, यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट का जो 1 का रूट होता है वो 1 ही होता है, तो हमारे पास ए माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में हमें क्या करना है, ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी की वैल्यू हमें दी हुई है, देन ए बी की वैल्यू भी हमें दी हुई है। फॉर्मूला में याद होना चाहिए, फॉर्मूला हमारे पास जो यूटिलाइज होगा यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ यूटिलाइज होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी। मेन काम यहाँ फॉर्मूले का, अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम इजीली आंसर निकाल लेंगे। ए प्लस बी की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 5, ए प्लस बी की जगह पे हम 5 लिख देंगे स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की जगह पे हम ए माइनस बी ही लिखे रह देंगे, एज इट इज उतार दिया। देन 4 ए बी की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है -6, देन यहाँ पे -6 हमने लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, हमने 25 लिख दिया। देन माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 24 माइनस 24, ये यहाँ पॉजिटिव का है, वहाँ के नेगेटिव का हो जाएगा। माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस माइनस का 25। देन माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 में ऐड कर देंगे हम 25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे हमें, क्योंकि वैल्यू जो चाहिए वो ए माइनस बी की चाहिए। हमारे पास क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट अप्लाई करा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 7 का रूट क्या होता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 49 का रूट जो हो जाएगा वो आ जाएगा 7। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और हमें सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू यूज हुई हैं। ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, देन ए माइनस बी की दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ 2 फॉर्मूला यूज होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे, 8 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, देन 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, देन 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
टू वन ज़ा टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, टू वन ज़ा टू दैन टू फिफ्टी ज़ा हंड्रेड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 50। इसके बाद ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए बी को निकालने के जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी। इससे पहले जो फॉर्मूला हमने यूज करा था उसमें बस यहाँ प्लस था, इसमें यहाँ पे क्या है माइनस है, देन यहाँ पे क्या था टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या है फोर ए बी। दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट कॉमन है, कुछ चेंजिंग्स हैं। हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है एट, एट की वैल्यू एट यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी की जो वैल्यू दी हुई है दी हुई है सिक्स, स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी। एट का स्क्वायर 64 होता है, हमने 64 लिख दिया, माइनस सिक्स का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, हमने 36 लिख दिया इज इक्वल टू फोर ए बी। 64 में से 36 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 28 इज इक्वल टू फोर ए बी। फोर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 28 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू ए बी, 4 वन ज़ा 4 देन 4 सेवन ज़ा 28। ए बी की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई 7। उम्मीद ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू की मैंने देन a माइनस बी की वैल्यू की मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है देन ए बी निकालना है। बिल्कुल सिमिलर जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उसकी तरह होगा। फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 5, देन 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है देन 3 का स्क्वायर कर देंगे 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ हमने 25 लिख दिया प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, हमने यहाँ 9 लिख दिया 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 34 इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 34 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 वन ज़ा 2 टू 17 ज़ा 34। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17। एक की वैल्यू निकल गई, देन आफ्टर इसके ए बी की वैल्यू निकालते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, वही फॉर्मूला यूज होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, बस बीच में माइनस आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी। हमारे पास जो ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 5, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे देन 5 का स्क्वायर करा देंगे माइनस ए माइनस बी की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 9, 9 का स्क्वायर करा देंगे 4 ए बी। 5 का स्क्वायर होता है 25, हमने 25 लिख दिया माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमने यहाँ 9 लिख दिया 4 ए बी। 25 में से 9 माइनस करेंगे हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 16 इज इक्वल टू 4 ए बी। 4 इधर मल्टीप्लाई और वहाँ के डिवाइड हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू ए बी। 4 वन ज़ा 4 देन 4 4 ज़ा 16। ए बी की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4।